तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ इससे रिलेटेड भी, कि फ्लक्स एंड स्लैग क्या होता है। सिंपल सी भाषा में समझते हैं, और मतलब एक प्रॉमिस कर सकता हूं मैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मेटलर्जी में आता है, मेटलर्जी में जिसमें हमें मेटल से इम्प्योरिटीज को दूर करना होता है। तो मेटल की सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसेंट्रेशन करते हैं, है ना। कंसेंट्रेशन में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज को दूर कर पाते हैं, फिर उनकी कैल्सिनेशन रोस्टिंग करते हैं, फिर थोड़ी सी और इम्प्योरिटीज दूर कर देते हैं, स्टिल कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, ठीक है। तो हम जिस केमिकल का यूज करते हैं उस केमिकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्लक्स बोलते हैं। एनी केमिकल यूज्ड टू रिमूव इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड फ्लक्स। कोई भी वो सब्सटेंस जो कि इंप्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। और अगर मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करूं तो किस तरह से डिफाइन करूंगा, दो सब्सटेंस या दो केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस विच कंबाइन कंबाइन विद गैंग, गैंग पता है ना किसे कहते थे, गैंग या फिर मैट्रिक्स या फिर इंप्योरिटी, विद गैंग प्रेजेंट इन कैल्साइन और रोस्टेड, कैल्साइंड और रोस्टेड का मतलब जिसकी ऑलरेडी कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग कर दी गई हो, और टू फॉर्म इजीली फ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स। इस इजीली फ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्लैग। एंड द केमिकल यूज्ड इज कॉल्ड फ्लक्स। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो, जैसे कि कोई इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी में आप कोई केमिकल डालोगे, तो ये जो केमिकल आपने डाला है इस केमिकल को आप डालोगे बोलोगे फ्लक्स, तो ये केमिकल इसके साथ जुड़ जाएगा भी, ये केमिकल इस इंप्योरिटी के साथ जुड़ जाएगा, ये इंप्योरिटी और केमिकल आपस में जुड़ गए एंड इन्होंने एक फ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसको बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, ऊपर तैरते रहता है, ठीक है। एक मेल्टेड मेटल होती है और उसके ऊपर इंप्योरिटीज में घुल जाता है, उनको बिल्कुल ऊपर ले आता है, जिससे इनको हटाना बहुत आसान हो जाता है, एंड इनको बोला जाता है स्लैग। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, रिपीट कर रहा हूं, इंप्योरिटीज के साथ जो कंबाइंड होगा, जो कंबाइंड होगा उसे बोलेंगे फ्लक्स, और कंबाइंड होकर जो बनेगा उसे बोलेंगे स्लैग। जो कंबाइंड होगा फ्लक्स, जो बनेगा कंबाइंड होकर जो बनेगा वो क्या होगा, स्लैग होगा। अब देखिए कई तरह के होते हैं, कई तरह के फ्लक्स होते हैं, बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे एसिडिक फ्लक्स, क्या हो गया एसिडिक फ्लक्स, फिर बात करें तो बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, फिर बात करें तो न्यूट्रल फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, न्यूट्रल फ्लक्स, क्लियर। अभी एसिडिक फ्लक्स का कैसे पता लगाओगे आप, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे नहीं मतलब मोस्टली जो भी हैं, जैसे मैं बात करूं तो SiO2 सिलिका सैंड बोल देते हैं इसे, ये एसिडिक फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है। P2O5 या कह लीजिए P4O10, ये क्या है, एसिडिक फ्लक्स है। जो मेटेलिक ऑक्साइड है लाइक CaO, MgO, ठीक है, MnO, FeO या कार्बोनेट हो गए जैसे CaCO3, ये क्या कहलाएंगे, बेसिक फ्लक्स। और न्यूट्रल फ्लक्स किसे कह सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया
ग्रेफाइट, बोन एज, राख का जो चूरा होता है इसको आप लोग यूज कर सकते हो एज न्यूट्रल फ्लक्स। याद रखना एसिडिक फ्लक्स काम करेगा बेसिक इंप्योरिटीज पे, किस पे काम करेगा, बेसिक इंप्योरिटीज पे। मेन जो है एसिडिक फ्लक्स बेसिक फ्लक्स ही है, ठीक है, उसके बारे में तो बुक्स में बात भी निकली गई है। बेसिक फ्लक्स जो काम करेगा वो काम करेगा एसिडिक इंप्योरिटीज पे, एसिडिक इंप्योरिटीज पे। अभी आवाज कम है, पड़ोस में शायद बहुत बुरा हाल उठ रहा है यार, वीडियो तभी बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो अभी कार्ड आए हुए, मना भी नहीं कर सकते कुछ, और बोला था सबको हक है बर्बाद होने का, हम किसी को मना नहीं कर सकते बर्बाद होने से। चलिए तो एसिडिक फ्लक्स है, लाइक आपके पास है SiO2, ये क्या है, एसिडिक है। अभी किसके साथ कंबाइंड होगा, किसी बेसिक इंप्योरिटीज के साथ, बेसिक इंप्योरिटी लाइक आपके पास है CaO, बेसिक इंप्योरिटी होगी, फोकस करना मेरी बात पे, बेसिक इंप्योरिटी को हटाने के लिए आप लोग एसिडिक फ्लक्स का यूज करोगे, या आपस में कंबाइंड होगे और फ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बनेगा CaSiO3, इट इज कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट, क्या बोलेंगे इसे, कैल्शियम सिलिकेट। और ये जो फ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स बना है या फ्यूजिबल कंपाउंड बना है इसे हम लोगों ने क्या बोल देना है, स्लैग बोल देना है। बात समझ आती है या नहीं आती है, सिंपल है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई एसिडिक इंप्योरिटी है, एसिडिक इंप्योरिटी में क्या होगा, एसिडिक इंप्योरिटी में आपके पास SiO2 हो जाएगा, ठीक है, आप किसका यूज कर लोगे, बेसिक फ्लक्स का यूज कर लोगे, बेसिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा, जहां तक हम देख पा रहे हैं यही होगा। अच्छा नोट्स में ना मैंने CaO2 लिख दिया, वो CaO2 लिखना, मतलब जो बेसिक फ्लक्स की साइड में है, CO2 नहीं लिखना, वहां पे आपने CaO लिखना है, ठीक है। चलिए एसिडिक इंप्योरिटी मान लेते हैं SiO2 है, तो आप यूज करोगे बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स कोई भी जो आपका दिल करता है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है, मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, जैसे आपने CaCO3 ले लिया, तो ये तो बनेगा ही CaSiO3, ये स्लैग है, ये ऊपर आ जाएगा बिल्कुल मेल्टेड मेटल के ऊपर, इसको आसानी से हटा लिया जाएगा। अच्छा प्लस में ना ये जो कार्बोनेट वाले होते हैं, अब सारी बैलेंस नहीं हो रही ना, तो इसमें CO2 भी निकलेगा, इनमें तो CO2 नहीं बन रहा था, इसमें CO2 भी बनेगा, वो सही कर लेना प्लीज नोट्स में आप सभी। तो ये था अपना सिंपल सा टॉपिक फ्लक्स एंड स्लैग। फ्लक्स क्या होता है, जो इंप्योरिटीज को निकालने के लिए यूज होता है, कैसे होता है, इंप्योरिटीज के साथ कंबाइंड होगा, कंबाइंड होकर जो बनेगा वो क्या होता है, स्लैग होता है, जिसको आसानी से हटाया जा सकता है, चिपकाओ इसको अच्छे से।